नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। Xiaomi ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है Redmi 6A और Redmi 6 को। ये दोनों डिवाइस बजट प्राइस के अंदर आता है और आपको काफी अच्छी फीचर भी ऑफर करता है। लेकिन ऐसे कुछ नेगेटिव बातें हैं इन दो फोन्स के बारे में जो कि आपको लेने से पहले जानना चाहिए, और वही बातें आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इनके प्रोसेसर के बारे में तो वो है MediaTek Helio A22 और P22। जहां एक तरफ A22 2GHz का क्वाड कोर चिपसेट है तो P22 2GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट है। लेकिन ये दोनों फोन बिल्कुल भी गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया और ना तो आप इसमें हैवी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। बेसिक कामों के लिए ये चिपसेट बढ़िया है, और अगर आप ज़्यादा सेल्फी लेने की शौकीन है तो ये दोनों फ़ोन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों की फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 MP का दिया गया है और बैटरी बैकअप में भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, दोनों में 3000 mAh का बैटरी दिया गया है और दोनों फ़ोन की चार्जर का आउटपुट बहुत ही स्लो है। तो ओवरऑल दोस्तों, जो लोग बेसिक यूज़ करने के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हैं वो लोग इन दोनों फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।